हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे और एक नए वीडियो में। सो बहुत सारे व्लॉग्स के बाद आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक फिटनेस के ऊपर वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं सबसे कॉमनली यूज तीन जो नॉन वेज के प्रोटीन सोर्सेस है, एग, फिश और चिकन, उनको कंपेयर करने वाला हूँ और प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा यूज करना बेस्ट है, ताकि आप ही जान सके कि कौन सा चीज आपको ज्यादा लेना चाहिए और कौन सा चीज आप कम भी कंज्यूम करेंगे तो भी चलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, वेलकम बैक। सो वीडियो का जो मेन पॉइंट है, उस तक जाने से पहले एक पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये जानना जरूरी है कि हम लोग जैसे प्रोटीन को मेजर करते हैं वो तरीका ही गलत है। अगर हम लोग तीन नॉन वेज फूड सोर्सेस को लेके बस इतना ही देख रहे हैं कि किसमें ज्यादा प्रोटीन है, वो गलत है। क्योंकि अगर मैं 100 ग्राम चिकन ले रहा हूँ, 100 ग्राम फिश ले रहा हूँ और 100 ग्राम एग्स ले रहा हूँ, उनको कंपेयर करना बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि एज एन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 100 ग्राम एग मतलब बस तीन एग ही होता है। तो आप सोच सकते हैं बस तीन एग कैसे 100 ग्राम चिकन के प्रोटीन के साथ कम्पीट करेगा। वो कम्पिटिशन कुछ वैल्यू ही नहीं रखता है, क्योंकि तीन एग्स में बहुत ही कम प्रोटीन होता है कम्पेयर टू 100 ग्राम चिकन। तो सही तरीका कैसा है कंपेयर करने का, सही तरीका मेजरमेंट का क्या है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ऑब्वियसली प्रोटीन का कंटेंट ही सब कुछ नहीं होता है, वो प्रोटीन कितना आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, साथ में और कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट्स कितना है, अगर साइड इफेक्ट्स नहीं है तो और क्या क्या बेनिफिट्स उसका है, वो सब कुछ देख के भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस है। ये सब टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं मैं, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपेयर करने का फिर सही तरीका कौन सा है। मैं चिकन का, एग का और फिश का जो अमाउंट है वो इस पे डिपेंड करके लूंगा, ताकि प्रोटीन का कंटेंट जो है वो मुझे बिल्कुल 30 ग्राम प्रोटीन मिले। सो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं उतना ही चिकन ले रहा हूँ जिसमें मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, मैं उतना ही फिश ले रहा हूँ जिसमें मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और मैं उतने ही एग्स में ले रहा हूँ जिसमें मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो जब प्रोटीन का क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा, तब मैं अच्छे से कंपेयर कर सकता हूँ कि साथ में मुझे एक्स्ट्रा चीजें क्या मिल रहे हैं, किसमें अनवांटेड चीजें ज्यादा मिल रहे हैं और किसमें नेसेसरी चीजें ज्यादा मिल रहे हैं। ये होता है कंपैरिजन का सही तरीका। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सो मैं ये कंपैरिजन स्टार्ट करने वाला हूँ चिकन के साथ। तो 30 ग्राम प्रोटीन अगर आपको चिकन ब्रेस्ट से लेना है, तो आपको तकरीबन 100 से 110 ग्राम तक चिकन लेना पड़ेगा। मतलब 100 से 110 ग्राम तक अगर आप चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं तो आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। उसके साथ में क्या मिलता है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। साथ में फैट कंटेंट जो है वो 3.6 ग्राम होता है, और उसमें से ज्यादातर ही अनसेचुरेटेड फैट होता है, जो हम लोग के बॉडी के लिए अच्छा है, जो हेल्दी फैट्स होता है। और इसमें जो सोडियम का मात्रा है वो है 74 mg। 100 ग्राम के नीचे अगर कोई भी फूड आपको सोडियम प्रोवाइड करता है तो वो बहुत ही अच्छा फूड सोर्स है, जैसे ये चिकन ब्रेस्ट करता है। साथ में इसमें जो पोटेशियम है वो है 256 mg, जो 300 ग्राम के नीचे है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस भी ऑलमोस्ट करेक्ट रेशियो में है। इसमें जो फाइबर है वो भी जीरो है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं एक चीज कि फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। जो गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स है उसमें ही फाइबर ज्यादा रहता है, और क्योंकि चिकन ब्रेस्ट में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है जैसे मैंने बताया, तो इसमें फाइबर भी प्रेजेंट नहीं है। सो अभी बात करते हैं कि अल्टीमेटली कैलोरीज कितना हो रहा है अगर आप इतना चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इतना अमाउंट का चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम करने से आपको जो कैलोरी मिलेगा वो है 130 से 140। तो आप ये चीज देखिए कि 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है बस 130 से 140 ग्राम कैलोरीज में, जो बहुत ही अच्छा लीन प्रोटीन का सोर्स है, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप फैट लॉस जर्नी में हैं। सो अभी हम बात करने वाले हैं फिश के बारे में। तो अगर मेरा एम है 30 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना, तो फिश मुझे कितना लेना चाहिए, तो वो फिश का क्वांटिटी होना चाहिए तकरीबन 130 ग्राम्स। तो 130 ग्राम फिश अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको तकरीबन 30 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। सो इसके साथ में और क्या मिलता है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो है 0 ग्राम, जस्ट लाइक चिकन इसका भी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो होता है। इसका जो फैट कंटेंट है वो है 12 ग्राम, फैट कंटेंट इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, और इसका भी जो फैट कंटेंट है वो मैक्सिमम अमाउंट में ही अनसेचुरेटेड फैट है। तो फैट ऑब्वियसली प्रेजेंट है, बट वो हेल्दी फैट ही है जो हम लोग की बॉडी में नीडेड है। साथ में इसका जो सोडियम है वो है 61 mg, जो फिर से 100 से नीचे है, तो बहुत अच्छा है। और इसका जो पोटेशियम कंटेंट है वो है 384 mg, तो इस केस में भी रेशियो बिल्कुल सही है। अगर इसमें फाइबर आप ढूंढ रहे हैं तो इसमें भी आपको फाइबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो है, तो फाइबर का अमाउंट भी बिल्कुल जीरो है। सो अभी हम बात करने वाले हैं फाइनल कैलोरीज के बारे में। अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन के लिए इतना क्वांटिटी का फिश कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें जो कैलोरीज आपको मिलेगा वो है 250 कैलोरीज, जो आप देख सकते हैं चिकन से थोड़ा ज्यादा है अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन एम कर रहे हैं। सो फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं एग्स के बारे में।
तो जैसे मैंने बताया एग्स को लेके मेजर करने का टेक्निक ही बिल्कुल गलत है। 100 ग्राम एग्स हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 30 ग्राम प्रोटीन वाले एग्स, जैसे मैंने वीडियो के पहले ही बताया। तो अगर आपको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा 9 से 10 एग व्हाइट्स। होल एग्स के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो होल एग्स के मतलब इंस्टेड ऑफ होल एग्स आई एम कीपिंग एग व्हाइट्स ओनली। सो 9 से 10 एग व्हाइट्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं 30 ग्राम प्रोटीन के लिए, तो साथ में आपको क्या क्या मिलेगा चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको जीरो मिलेगा क्योंकि ये भी एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें जो फैट है वो आपको 1 ग्राम से कम मिलेगा, 0 point something मिलेगा, जैसे 0.2, 0.3, तो फैट इसमें बिल्कुल ही नहीं है। और साथ में इसमें अगर आप फाइबर ढूंढ रहे हैं तो इसमें भी आपको फाइबर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है क्योंकि एज आई सेड कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है। तो साथ में अगर हम बात करते हैं सोडियम या पोटेशियम का, तो सोडियम पोटेशियम दोनों ही 100 ग्राम के ऊपर है। सोडियम 100 ग्राम के ऊपर होना नॉर्मली एडवाइसेबल नहीं है, बट क्योंकि एग व्हाइट में जितना भी सोडियम होता है वो नेचुरल सोर्सेज से आता है, वो नेचुरल सोडियम होता है, तो वो आपके बॉडी में उतना हैम्पर नहीं करेगा। और अगर आप पोटेशियम के बारे में सोच रहे हैं तो वो है 200 mg से नीचे, तो इसका जो बैलेंस है ये थोड़ा सा ऑड है। बट ये जो ऑड बैलेंस है सोडियम और पोटेशियम का, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ पानी कंज्यूम कर रहे हैं सारा दिन में। सो फाइनली द न्यूट्रिएंट कंपैरिजन इज डन। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, मतलब अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं इन सोर्सेज से तो कौन सा प्रोटीन जल्दी आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है और कौन सा प्रोटीन अच्छे से आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है। सो बायो अवेलेबिलिटी के लिस्ट में सबसे टॉप पे आने वाला है एग, क्योंकि एग का जो प्रोटीन है वो मोस्ट लीन प्रोटीन है, तो वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है कंज्यूम करने के 15 मिनट के अंदर। जितना भी प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं एग के फॉर्म में वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो सकता है आपके बॉडी में विद इन 15 मिनट्स, जो बहुत ही अच्छा है क्योंकि प्रोटीन हमेशा फास्ट डाइजेस्टिंग चाहिए अनलेस आप केसीन प्रोटीन के बारे में सोच रहे हैं। सो नेक्स्ट इस लिस्ट में आने वाला है चिकन, क्योंकि चिकन भी एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो चिकन भी आपके बॉडी में आधा से 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मैक्सिमम 2 घंटा और मिनिमम आधा घंटा, जैसे मैंने बताया इतना टाइम में डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। इसमें भी जितना प्रोटीन आप कंज्यूम करेंगे उतना ही अच्छे से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है। अभी फिश भी एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बट क्योंकि इसका जो फैट कंटेंट था अगर आपको याद है वो थोड़ा सा हाई था। फैट कंटेंट वाला कोई भी फूड इतना जल्दी आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आप चिकन ब्रेस्ट और एग व्हाइट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिश जो है वो आपके बॉडी में थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट होगा। अगर आप नॉर्मल चिकन और नॉर्मल एग के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फिश जो है वो आपके बॉडी में थोड़ा सा फास्ट डाइजेस्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल चिकन और नॉर्मल एग में फैट कंटेंट फिश से ज्यादा होता है। आई होप आप जो कैलकुलेशन है और जो प्रोसेस है जो साइंस है वो समझ चुके होंगे। फैट जहां पे ज्यादा है वो ज्यादा स्लो डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन जहां पे ज्यादा है मतलब लीन प्रोटीन जहां पे ज्यादा है वो ज्यादा फास्ट डाइजेस्ट होता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं हम लोग के कंक्लूजन पे कि कौन सा प्रोटीन सोर्स आपको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए और कौन सा कम कंज्यूम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने फूड सोर्सेस लिए ही ऐसे ताकि 30 ग्राम प्रोटीन मुझे हर सोर्स से मिले। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे आपने देखा कोई भी सोर्स में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला क्योंकि सारे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बट फैट के पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो चिकन ब्रेस्ट और एग व्हाइट में आपका जो फैट है वो बिल्कुल जीरो था और नेग्लिजिबल था, अगर जीरो भी नहीं तो 1 से बहुत ही ज्यादा कम था। लेकिन फिश जो है उसमें आपको फैट मिल जाता है क्योंकि हर एक फिश में फैट का क्वांटिटी होता है, जो अनसैचुरेटेड फैट है ऑब्वियसली, बट फैट का कंटेंट जो है वो चिकन और एग से ज्यादा होता है। तो अगर आप फैट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो चिकन और एग आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है कम्पेयर टू फिश। अगर आप सोडियम और पोटेशियम का रेशियो के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि सोडियम और पोटेशियम का रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यहाँ बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। प्रोटीन का जो डाइजेशन है, आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, वो आपके फूड सोर्सेस का ये सोडियम और पोटेशियम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ये बैलेंस या रेशियो सही नहीं है तो आपको इनडाइजेशन या प्रोटीन जैसे प्रॉब्लम हो जाता है और आपका बॉडी वाटर होल्ड करने लगता है। तो ये जो रेशियो है ये सबसे बेस्ट है चिकन में। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम है जो मैंने अभी बताया तो चिकन आपके लिए बेस्ट फूड सोर्सेस होने वाले हैं। उसके बाद इस रेशियो के लिस्ट में आ जाता है फिश, और एग का जो रेशियो है वो जो मैंने आपको बताया वो एक्चुअली ठीक नहीं है, बट वो बैलेंस किया जा सकता है अगर आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। तो फाइनली हम आ जाते हैं सबसे एक्साइटिंग पॉइंट पर, जो है कैलोरीज। सो कैलोरीज अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कंसिडरिंग आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है इन सोर्सेज से, सो फिश जो है उसका कैलोरी कंटेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैट क्वांटिटी एडेड है, और उसके बाद आ रहा है इसमें चिकन और उसके बाद आता है एग। तो एग व्हाइट्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो 30 ग्राम प्रोटीन भी आपको मिल रहा है और आपको कैलोरीज भी सबसे कम मिल रहा है।
तो अगर फैट लॉस ही आपका ओनली गोल है, ओनली मोटिव है, तो एग व्हाइट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर मसल गेन आपका गोल है तो आपको हाई कैलोरी वाले प्रोटीन सोर्सेज लेने चाहिए, जैसे कि इस वीडियो में आपको पता चला जो है फिश। लेकिन क्या इसका मीनिंग ये है कि हम लोग को चिकन बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करना चाहिए? तो ये चीज बिल्कुल गलत होगा। अगर आपको याद है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इस वीडियो में मैं आपको चूज करना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि आप एक फूड आइटम सिलेक्ट करके दूसरे वाले को छोड़ रहे हैं, बट मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप ये जान ले कि कौन सा चीज आपके गोल के हिसाब से आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए और कौन सा आप कम लेंगे तो भी चलेगा। तो जो लोग मसल गेन करना चाहते हैं उनको फिश ज्यादा लेना चाहिए। अभी साथ में आप कितना चिकन ले रहे हैं, कितना एग्स ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका बजट सही है तो आप तीनों को ही रेगुलरली इंक्लूड कर सकते हैं। जो लोग फैट लॉस में एम कर रहे हैं, जो जिनका फैट लॉस ही सिर्फ गोल है, तो मैंने बताया एग व्हाइट्स आपको ज्यादा रखना चाहिए अपने डाइट में, साथ में जितना आपका बजट परमिट करता है उस हिसाब से आप चिकन और फिश को रख सकते हैं। और जो लोग मेंटेन करना चाहते हैं मेरी तरह, मैं नॉर्मली मेंटेन करता हूँ, अचानक से वेट लॉस या अचानक से वेट गेन नहीं करता हूँ, तो उन लोगों के लिए चिकन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका जो सारा चीज है वो बिल्कुल ही बैलेंस प्रोपोर्शन में है। साथ में मैं फिश और एग भी ऑब्वियसली कंज्यूम करता हूँ, तो जैसे मेरा लॉजिक मैंने आपको बताया, जो साइंस मैंने बताया, मैं चिकन ज्यादा कंज्यूम करता हूँ। मैं दिन का 2 मील में चिकन कंज्यूम करता हूँ, एग मैं 1 मील में करता हूँ और फिश मैं 1 मील में करता हूँ। तो जाहिर सी बात है आप भी समझ चुके होंगे कि कैसे मील्स प्रोपोर्शन में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ रियल नॉलेज मिला है, आपने नया कुछ सीखा है और आप कल से ही वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे अपने लाइफस्टाइल में। अगर इस वीडियो का फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पहले से पता नहीं था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे लाइक बटन जरूर दबाइए, साथ में इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ भी जिनको आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। और अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस पसंद है और फ्यूचर में भी आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं इसका इन्फॉर्मेशन और हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसे नॉलेज मिस ना करें। और आप अपने जो बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस जर्नी है उसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करते जाए और जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंच सके। तो बहुत ही जल्द मैं और एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।